एक पाइजा सिखाऊंगा और एक टाइम लगा तो एक मेडिटेशन वाली चीज, और बहुत इजी है, मुझे मालूम है तुमको जल्दी से आ जाएगी। सोचिंग पाइजा चिगोंग का काम क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर 12 मेरिडियन, बायोलॉजी पढ़ी है, थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, पढ़ने की लग रहे हो तो जो 12 मेरिडियन है उनको ये एक्टिव कर, जैसे होता है ना अभी बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है गर्ल्स के साथ, गर्ल्स के लेडीज के साथ ब्रेस्ट कैंसर, जिंदगी में कभी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवरीज, यूट्रस, एक 18 साल की लड़की भी गायनी के पास चली जाए ना, वो भी गया हमारे तो ऑवरीज में फाइब्रॉइड हो, जस्ट हो, ये नॉर्मल चीज है आज की डेट में, रेगुलर करोगे कभी नहीं होगी, हफ्ते में खत्म, फिलिपिन ट्यूब से चौक हो जाती है, जो मैरिड है उन्हें पता है फिलिपिन ट्यूब चौक हो जाए तो क्या होता है, बेबीज नहीं होते, ओपन हो जाए, ओवरीज, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियास, ड्यूडोमेन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, लंग्स में एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम, सब खत्म, सदियां नहीं लगेगी, सिर्फ 15 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम हो से आपको, जिनको एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है ना उनकी एक पहचान है, उनकी गर्दन हमेशा टाइट हो जाती है, उनके शोल्डर टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि वहां पर जब एनर्जी है स्टक अप हो गई है और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं, जब हम उस रूट को खोल देंगे ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। डिप्रेशन का मतलब होता है कि आपके लंग्स के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाल देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी तो फिर डिप्रेशन रहेगा, खत्म हो गया, अंडरस्टैंड। तो बहुत जो आपकी पूरी बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल धीरे धीरे से करोगे ना तो 6 महीने बाद आपको कोई कूटेगा भी ना तो आपको असर नहीं होगा, आपको कोई पीटेगा भी ना अगर आप रेगुलर करोगे, 6-7 महीने बाद अगर आपके कोई आपके पीठ में या पेट में कोई डंडा टुंडा भी मार देता ना तो आप आराम से खड़े रहोगे, गिरोगे नहीं, दर्द नहीं, ये एक्सरसाइज हम लोग करते हैं शॉलिन के अंदर फॉर आयरन बॉडी, आयरन बॉडी समझते हो, हमारी आयरन बॉडी एक्सरसाइज, तो इसमें बहुत एडवांस है, मगर हम इसको हीलिंग के लिए, हम इसको सिर्फ जो जो हम जैसे लोग होते हैं उनको सिर्फ हीलिंग पर्पज के लिए सिखाते हैं, एक सेक्शन, इसके फिर आगे भी सेक्शन, तो आगे इतने एडवांस में पहुंच जाते हैं, यू नो घर में वो होता है सिर्फ ठोकने वाला मसाला टूटने वाला, क्या बोलते हैं डोरी डंडा, तो कल हुआ देखा कितना मोटा, मोटर एंड पिस्तौल उससे भी पीट लेते हैं, आयरन रोड से भी पीट लेते हैं, ईंटों से भी पीट लेते हैं, तो बॉडी ऐसी कोई ऐसा नहीं, अगर तुम मेरा हाथ देखोगे ना तो तुमसे ज्यादा सॉफ्ट है मेरे, ठीक है, तो इन्हें तो पता है अच्छी बच्ची को, ये बिल्कुल सॉफ्ट हाथ है, जबकि लोग कहते हैं मार्शल आर्ट करने वालों के हाथ वैसे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, टेक्निकली करा जाए, नॉलेज के साथ करा जाए तो कुछ नहीं है, बेवकूफी के साथ किया जाए तो पूरी बॉडी बिगाड़ के, तो हम ये जो चीगोंग करेंगे पहले हमारे लिए मेजर
चीज क्या है हमारी बॉडी के, दो हाथ और ये दो टांग, ठीक है। इस टांग के अंदर भी मेगा मेरिडियन से इस टांग में भी मेगा मेरिडियन, ठीक है। पांच स्टांग में पांच स्टांग कितनी हो गई, ठीक है, पांच इसमें है पांच इसमें। जैसे एसिडिटी हो जाती है, जैसे तुम्हारे को ये चश्मा लगा हुआ है ना, ये जो एक्सरसाइज करोगे ना रेगुलर करोगे तो तुम्हारी जहां पर तक है आइस ये वही रुक जाएगी, आगे कमजोर नहीं होगी। ये तो काफी टाइम से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, मतलब रुक जाएगा। क्यों क्यों बढ़ रहा है वो भी पता। अब मैं क्वेश्चन पूछूं उसका अच्छी तरीके से जवाब देना, तुम्हारी मेंसेस कैसे बढ़ रही है, इररेगुलर कभी किसी ओडी की प्रॉब्लम। ये जो शब्द बोला है ना सबसे ज्यादा इससे दुख, अब तो ऐसे बीमारी ही नहीं मानते यार पीसीओडी को, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है। अरे पांच दिन में ठीक, पांच दिन में ठीक हो जाती है, कोई बीमारी नहीं है पीसीओडी। डॉक्टर ने सबको डरा डरा के ना बेड़ा गर्क कर रखा, समझ में आई। तुम्हारी प्रॉब्लम है लीवर की, जिनके भी लीवर की वर्किंग अच्छी नहीं होगी उनके आंखें वीक होती चलेगी, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेंगे ऑक्सीपिटल लोब कमजोर जो है ना, मसल्स कमजोर होती है, ऑप्टिकल मसल्स कमजोर। अरे कोई कमजोर नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब। जिस भी लड़की का लीवर कमजोर होगा उसको चश्मा लगेगा। तुमने देखा होगा कुछ बच्ची हैं होती हैं उनके इतने मोटे मोटे लेंस लगे होते हैं, ठीक है। आप उनसे उनकी मम्मी से पूछ लेना, वो कहेंगे बेटा इनको तो मैं इस बच्ची को आज तक मेंसेस ही नहीं, समझ में आ गई। मैं जो बता रहा हूँ ये डॉक्टरों के समझ से परे की बात बता रहा हूँ, ये तो मेडिकल ग्राउंड से जुड़े हैं, मुझे पता है जो मैं कह रहा हूँ, ये फुल खुद बढ़िया सा हॉस्पिटल चला रहे थे। तो ये आप जैसे लीवर आपके डिटॉक्सिफाई करें, आपकी जो आई साइट ये साइट होती है, तुमको मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ वो करना सुबह सुबह आफ्टर चीगम, आंखें बंद करके पहले लेफ्ट टू राइट करना, आंखें खोल के मत करना। डॉक्टर क्या कहता है आंखें खोल के ऐसे 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 ऐसे, वो बेकार है। उसमें क्या होता है आपके हर थोड़ी देर में क्या होता है एकदम मसल से ज्यादा पड़ता है, ऐसे पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये सबके लिए आपकी आई साइट बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरे को अंधेरे में भी दिखता है, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो और ये सिर्फ आप एक महीने करना, आपकी आईज बहुत अच्छी हो, आईज के साथ साथ आपकी एक चीज बहुत अच्छी हो, फोकस। जब आप किसी को भी देखते हो ना तो आप सिर्फ देखते हो, आपको समझते नहीं। अगर आपसे पूछा जाए ना किसी, हाँ वो बंदा था उसके चेहरे पे कितने निशान थे, मैं नहीं, क्योंकि फोकस नहीं। तो फोकस होना, आप सिर्फ आंखें बंद करके नॉर्मली स्टार्ट, बहुत थोड़े से करना स्टार्ट। सिर्फ आप ये करो कि 5 टाइम या 6 टाइम, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे 6 टाइम कर ले, देन अप डाउन 1 6 टाइम, देन सर्कल लेफ्ट टू राइट 5 टू लेफ्ट, और आंखें बंद रखनी खोलनी, और जब रहेगी उसके बाद रब योर हैंड, ठीक है। और ये दिन में आप 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, और आपको इसका हार्डली 3-4 दिन में तुमको ऐसा लगेगा तुमको रोशनी महसूस होनी शुरू होगी। कितने टाइम के लिए सारी जिंदगी करो, बहुत बढ़िया चीज है। नहीं मतलब ड्यूरेशन, लाइक एक ड्यूरेशन बोला ना, 5 to 6 टाइम से स्टार्ट करो। जैसे आपने 5 बार इधर इधर कर लिया, 5 बार ऊपर नीचे कर लिया, 5 बार लेफ्ट टू राइट कर लिया, 5 बार, ये आप इसको 36 टाइम तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो 36 टाइम जब तक पहुंचोगे बहुत टाइम लगेगा, मतलब डेली आपने एक दो बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके बाद और से एक फायदा और होगा, आपकी जो नींद है बहुत बढ़िया, वो आंखों में ना एक थकावट रहती है ना, वही वो खत्म हो जाती है, नींद बहुत बढ़िया हो गई, और सबसे ज्यादा रोना पिटना बंद हो जाएगा, ठीक है।
वही इंस्ट्रक्शन मदद